नमस्ते आप सभी का, मोहन मिथिला किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपका साल ऐसे ही मंगलमय रहे, पूरी तरह से हमेशा खुश रहिए। और 3-4 दिन से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि हम लोग भी नववर्ष की के लिए घूमने के मकसद से निकल गए थे बाहर। तो आज हम आ चुके हैं, तो 3 दिन से लगभग 3-4 दिन से हम वीडियो भी नहीं बना पाए हैं। तो हम आ गए अपना अगला रेसिपी लेके। तो जो लोग नए हैं वो लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं उन लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग तो सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमें हमारा वीडियो जो आ रहा है वो रोज़ अपने टाइम से देख रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का, देखिए मटर का आज हम बनाने जा रहे हैं गोदला। हमारे मिथिला में गोदला के नाम से जाना जाता है, पर तरीका देख के आप लोग समझ जाइएगा जो हम क्या बना रहे हैं। तो हम अपने भाषा में बोल रहे हैं गोदला, वो भी पनीर डाल के आज हम बनाने वाले हैं मटर का गोदला। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, हमारा तरीका देखिए कि हम किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने डाल दिया है तेल गरम होने के लिए। अब हम डालते हैं इसमें प्याज। पहले हम प्याज थोड़ा सा भून लेंगे। और प्याज के साथ ही हम डालते हैं मटर। एक केजी मटर का है ये, मतलब 1 केजी मटर हम लिए थे। इसको निकालने के बाद इतना मटर हमारा हुआ है, लगभग ये भी आधा केजी के बराबर होगा। तो लगभग आधा केजी मटर ले लिए हैं। इसको अच्छे से पहले भून लेते हैं। भूनने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए हमारा मटर लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर हम सबको अच्छे से पीस लेंगे। दरदरा ही, ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसेंगे सबको। तब तक हम इधर आपको दिखाते हैं मसाला सब हम क्या ले लिए हैं। तो इसमें हम पीस लिए हैं हरा मिर्च, अदरक और लहसुन का इतना पेस्ट हम बना लिए हैं। और ये ले लिए हैं धनिया पत्ता ऊपर से सजावट के लिए। और ये रहा प्याज, फिर इसको छौंकेंगे फोरन लगा के। तो इस फोरन है ये प्याज और तेजपात लिए हैं, जीरा भी डालेंगे। और यहाँ ले लिए हैं हम थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए हल्का। और ये है हमारा धनिया और गरम मसाला, दोनों मिक्स है क्योंकि दोनों घर पे हम पीसे हैं तो मिलाकर ही पीस लिए हैं। और ये रहा हमारा हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। और इधर हम पनीर भी फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो पनीर को मछली से फ्राई कर ले रहे हैं। तब तक हमारा मटर जो है वो भुना रहा है, तब तक हम पनीर अपना फ्राई करके छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा ये भून के तैयार हो चुका है। हमने प्लेट में निकाल लिया है अपने मटर को, मटर प्याज और टमाटर को। और इधर हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं इसका जो फोरन है वो भूनने के लिए। तो हमने ले लिया है 2 तेज़पात। तेज़पात को थोड़ा हम लाल होने देंगे अच्छे से। और अब हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारा अच्छा से चटक जाएगा तब हम प्याज डालेंगे। तो जीरा हमारा पूरी तरह से चटक गया है, देखिए एकदम लाल हो गया है। अब हम अपना प्याज ऐड कर लेते हैं। सबको हम अच्छे से लाल करके भून लेंगे। हमारा प्याज देखिए भूरा रंग का हो चुका है। अब हम डाल रहे हैं मसाला सब जो प्लेट में निकाले हैं, सबको हम डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट। सबको हम साथ में थोड़ा देर भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है चारों साइड से, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों साइड से तेल छोड़ दिया है। तो ये फ्राई हो चुका है। अब जो इधर हम पेस्ट तैयार किए हैं अपना मटर का, देखिए इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है।
अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि पहले हम भून लिए थे इसको कच्चा में ही, क्योंकि इस तरीके से जब पीस लेते हैं तो ये फ्राई नहीं होता है ठीक से, कच्चापन का स्वाद रहता ही है। अब ये अच्छे से हो चुका है फ्राई, अब इसको हम थोड़ा सा ही मसाला मिलाने के लिए सिर्फ भून रहे हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने इस पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। अब हम ले रहे हैं पहले थोड़ा सा पानी, इस ग्रेवी को पहले अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो देखिए फ्राई पनीर को हमने थोड़ा देर पानी में छोड़ दिया था, पानी में छोड़ने से ये सॉफ्टनेस रहता है, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, देखिए एकदम सॉफ्ट। पानी में नहीं डालते तो ये कड़क रहता थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, लेकिन पानी में फ्राई करके हम डाल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है पूरी तरह से। अब हम इसको पानी के साथ ही डाल रहे हैं, हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही अच्छा लगेगा खाने में। तो अब हम पानी नहीं डाल रहे हैं इसमें, थोड़ा देर के लिए अब हम ढक देते हैं। तो ये देखिए हमारा गोदला पनीर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और आपको दिखाते हैं निकाल के कि कैसा बना है। तो देखिए हमने निकाल लिया है अपने बर्तन में, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे तरीके से गोदला पनीर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और जो बच्चे घर में नहीं खाते होंगे मटर, उनके लिए तो ये है अमृत, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा बच्चों को कि ये मटर से बना है, क्यों बताइएगा आप। अब हम इसको थोड़ा धनिया पत्ता से ऊपर से सजावट कर देते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमने धनिया पत्ता डाल दिया है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो लोग भी हमारे चैनल पर जाते हैं वो लोग कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो को वॉच करिए, आपका भी मनोरंजन हो जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अब लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।